कृषि अधिकारी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही एक पेपर है। इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल से जुड़े कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का एक विस्तार से विश्लेषणात्मक रूप से इनका डिस्कस करते हैं और ये राजस्थान की अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही स्तरीय प्रश्न है, तो आप एक टेस्ट के रूप में भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। और हम केवल प्रश्नों का आपको उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि प्रत्येक प्रश्न को विश्लेषणात्मक रूप से समझने का भी इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेपर कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 का है और ये एग्जाम हुआ था आपका 19 जनवरी 2021 को। तो चलिए इसमें राजस्थान जीके से जुड़े प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587, 1588, 1589, 1585। तो यहाँ पर मानसिंह को बिहार के सूबेदारी की बात करें तो मानसिंह को 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। वैसे बिहार का, बंगाल का और काबुल का, बिहार, बंगाल और काबुल, इन स्थानों का मानसिंह को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था अकबर ने। और अब पूछा है कि बिहार का सूबेदार नियुक्त कब किया, तो 1587 में बिहार का सूबेदार है वो नियुक्त किया था। और 1589, ये दो डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1587 और 89। तो 1587 में तो इनको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और 1589 में ये आमेर के शासक बने थे। आमेर के शासक कब बने थे? 1589 में, क्योंकि 1589 को इनके पिताजी, इनका नाम है भगवंत दास, भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है, भगवंत दास का निधन हो जाता है, उसके बाद में ये आमेर के शासक बनते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 1562 में इसके दादाजी भारमल, भारमल इनके दादा थे और भगवंत दास इनके पिताजी थे। इन्होंने और मानसिंह, ये तीनों ही अकबर से मिले थे। कहाँ पर? सांभर झील के किनारे, ठीक है। और अकबर से मिलकर इन्होंने क्या किया, अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किया भारमल ने सबसे पहले, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में सांभर झील के किनारे। और इसी समय 1562 में ये जो मानसिंह है ये अकबर की अधीनता स्वीकार उन्होंने कर ली तीनों ने ही, और मानसिंह अकबर के सेवा में है वो चला गया था। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मानसिंह अकबर की सेवा में सबसे पहले कब गया, तो ये 12 साल की आयु में ही 1562 में मानसिंह की अकबर की सेवा में चला गया था, ये भी ध्यान में रखना है। और अकबर ने इन्हें एक पुत्र की तरफ माना था, इन्हें फर्जंद की उपाधि भी दी थी, ठीक है। और 7,000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में भी एक था कौन? मानसिंह, ठीक है। साथ ही साथ मानसिंह के संबंध में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1573 में ये महाराणा प्रताप से मिले थे, अकबर के द्वितीय दूत के रूप में ये आए थे। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चार अकबर ने दूत भेजे थे कि महाराणा प्रताप को किसी भी प्रकार से मना कर अकबर के अधीन किया जाए, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप है वो नहीं माने। तो 1573 में ये अकबर के मैसेंजर के रूप में भी महाराणा प्रताप से मिले। और 1576 में जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व भी संभाला था, ठीक है। तो ये चीजें मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है। बिहार, बंगाल और काबुल का इन्होंने इसको सूबेदार नियुक्त किया। और बंगाल में इन्होंने क्या किया, तो बंगाल में इन्होंने अकबरपुर नामक शहर बसाया और बिहार में अपने ही नाम से मानपुर नामक नगर बसाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नांकित साहित्यकारों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि राजस्थान के ये राइटर्स हैं और ये हैं रूलर्स, शासक हैं। तो इन शासकों के काल में कौन कौन से जो साहित्यकार हैं वो किसके शासन काल में रहे थे, ये हमें देखना है मोटे तौर पर। मनोहत नारायण सिंह, महात्मा नरसेन, अत्रि मुनि जैता, और यहाँ पर दे रखे हैं शासकों के नाम। तो मूढ़ोत नैण सिंह जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर एक में तीन हो जाएगा। और इन कूटों में भी देखा जाए तो ए में तीन केवल और केवल इसी तीसरे नंबर पर है, तो 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूट वाले प्रश्नों से हमें घबराना नहीं है। जो भी सबसे सटीक आंसर लगे, हमें सबसे सरल जो यहाँ पर विकल्प लगे उनको सबसे पहले ट्राई करना है, उनसे हो पाता है या नहीं तो मोस्टली हो जाता है एक या दो विकल्पों से ट्राई करने पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम प्रश्नों को एक इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर ये नहीं हो पाता है तो अत्रि के बारे में आप सभी को पता होगा, अत्रि और महेश तो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भी रचना की थी। तो यहाँ पर सी में चार केवल और केवल इसी विकल्प में है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है महात्मा नरसेन, ये अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो भी इससे आप कर पाएंगे। तो महात्मा नरसेन है वो राव मालदेव के दरबारी साहित्यकार थे, और मुनि जेता बीकानेर के राय सिंह। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने भी 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मूढ़ोत नैण सिंह जसवंत सिंह, मूढ़ोत नैण सिंह के बारे में देखा जाए तो मूढ़ोत नैण सिंह ने दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। एक तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत और दूसरी नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी मूढ़ोत नैणसिरी ख्यात, ठीक है। तो मारवाड़ा जो प्रगनारी विगत है इसे राजस्थान का या राजपूताना का गजेटियर भी कहा जाता है, ठीक है। गजेटियर क्या होता है? एक बड़ा सा ग्रंथ है जिसमें शासकों की सारी उपलब्धियां भी मेंशन हो। इसके अलावा जो छोटे लेवल से लगाकर हाई लेवल तक, यानी कि जो छोटे मजदूर वर्ग हैं, कृषि यानी कि किसान वर्ग हैं, सारे के सारे जो जिसमें सेक्टर है उनको समाहित कर लिया जाता है, और उसके बाद में उसकी छोटी छोटी बातों को भी गजेटियर में लिखा जाता है, तो उसे गजेटियर कहा जाता है। और मारवाड़ा प्रगनारी विगत है इसे राजपूताने का गजेटियर भी कहा जाता है, ठीक है। और मूढ़ोत नैणसिरी ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत, ये मूढ़ोत नैणसिरी के प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और मूढ़ोत नैणसिरी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। महात्मा नरसेन राव मालदेव के दरबारी कवि थे, और राव मालदेव ने जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था सांगा और बाबर के मध्य, तो उस खानवा के युद्ध में भी राव मालदेव ने सांगा की ओर से भाग लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रूठी रानी या उमा दे ये किसकी रानी थी? ये इसी मालदेव की रानी थी। और मालदेव के काल में ही कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल युद्ध, जिसमें जेता और कुंपा है वो मारे गए थे। एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो इसी गिरी सुमेल युद्ध में दिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। अत्रि और महेश ये महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी कवि थे, इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना भी की थी, ठीक है। और मुनि जेता राय सिंह के दरबारी साहित्यकार थे। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट है वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर।
वैदिक यंत्रालय जो प्रिंटिंग प्रेस है ये हमारे अजमेर में स्थापित की गई थी। मोस्टली जो राजस्थान के आधुनिक राजस्थान को अगर देखा जाए तो उसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका मूल केंद्र अजमेरी था। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो उसकी शुरुआत भी अजमेर के नसीराबाद से ही हुई थी। इसके अलावा जो अलग-अलग महत्वपूर्ण राजस्थान में आधुनिक राजस्थान की महत्वपूर्ण जो संस्थाएं थी वो भी यहीं से गठित हुई। समाचार पत्रों का भी प्रकाशन यहीं से होता था क्योंकि ये एक चीफ कमिश्नर था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था, किसी स्थानीय शासक के अधीन अजमेर नहीं था। इसी वजह से ये एक जिस प्रकार से हमारी भारत की वर्तमान में राजधानी दिल्ली है तो इसी प्रकार से ठीक ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ से वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित हुई। इसके अलावा अजमेर से और भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है वो प्रकाशित होते थे, जैसे कि राजपूताना गजट, ये भी अजमेर से ही प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। मौलवी मुराद अली के नेतृत्व में इनका जो संपादन है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन 1882 में अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था और मौलवी मुराद अली को जेल भेज दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक समाचार पत्र जिसका नाम है देश हितैषी, देश हितैषी समाचार पत्र भी यही अजमेर से प्रकाशित होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रयासों से इस समाचार पत्र का यहाँ से प्रकाशन शुरू हुआ। और उदयपुर से अगर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रयासों से उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि 1879 में स्टार्ट किया था उदयपुर से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये इस सज्जन कीर्ति सुधाकर को उदयपुर का गजट भी कहा जाता है, सरकारी गजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो यही मतलब कोई क्रांतिकारी इसमें गतिविधियों की जानकारी नहीं मिलती थी। इन एक सप्ताह में जो भी शासक के द्वारा जो भी प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को इस सज्जन कीर्ति सुधाकर में पब्लिश किया जाता था। ठीक है, बाकी जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है जगत कारक। ठीक है, तो ये भी कहाँ का है, जयपुर का है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र है आपको ध्यान में रखने हैं। और वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस है ये भी अजमेर से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के डांस और कास्ट दी हुई है कि कौन सा डांस कौन सी कास्ट से रिलेटेड है, नृत्य और जाति, राई, मांदल, चरी और तेहरे ताली, गुर्जर, कामड़, भील और ग्रासिया। तो राई नृत्य है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, गौरी और राई नृत्य एक ही है आपको ध्यान में रखना है। और ये भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो राई नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, मांदल नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा, चरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा और तेहरे ताली नृत्य कामड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और कामड़ जो पंथ है इसकी स्थापना बाबा रामदेव जी ने ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक में तीन है, दो नंबर विकल्प में है, तो एक ही ऑप्शन से हमारा ये कूट है वो सही बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। भीलों के नृत्यों की बात करें तो भीलों का और कौन कौन सा नृत्य है राई के अलावा, तो नेजा नृत्य, हथीमना नृत्य, ये भीलों के प्रसिद्ध है वो नृत्य है। ठीक है, ध्यान में रखिए, नेजा, हथीमना और घूमरा ये भीलों के नृत्य है। ग्रासियों की बात करें तो एक तो मांदल और एक है वालर नृत्य, ये ग्रासिया का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। ठीक है, इसके अलावा जवारा, जवारा और मोरिया,
ये भी किसके नृत्य है? इसी ग्रास या जनजाति के नृत्य है। अब बात करते हैं चरी गुर्जर, तो ये गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, चरी नृत्य, ठीक है। और तेरह ताली कामड़िया पंथ, यहाँ पर इस नृत्य का नाम तेरह ताली क्यों रखा गया है? क्योंकि इस नृत्य में तेरे मंजीरों का प्रयोग होता है। मंजीरे को तोतारा भी कहा जाता है, तोतारा या तंदूरा। तो आपसे पूछा जाए कि कामड़िया पंथ के द्वारा तेरे ताली नृत्यों का जो आयोजन किया जाता है उसमें किस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो उसमें तंदूरा, चौतारा या मंजीरे का उपयोग किया जाता है। और मंजीरे कितने होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं। 9 मंजीरे तो दाएं पांव पर होते हैं, ठीक है, दाएं पांव पर लगाए जाते हैं। और दो दो मंजीरे हैं हाथों की कोहनी के पास में, और दो दो ही सॉरी एक एक मंजीरे हाथों की कोहनी के पास में, और एक एक मंजीरे एक एक हाथ में होते हैं। इस प्रकार से इस डांस है इसका होस्ट इस डांस को होस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डटकी, थाली एवं खिलाड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? विकल्प है मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। तो डटकी, थाली यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आपको थली दिख जाए ना, तो आप में से काफी लोग हैं वो बहुत ही सटीकता से इस प्रश्न को आंसर है वो दे जाते, लेकिन यहाँ पर थाली, आपको थाली ने आपको कंफ्यूज कर दिया है मुझे लगता है। खिराड़ी, ये जो बोलियां हैं राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं, ठीक है, सब डायलेक्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मारवाड़ी। डटकी थली यानी कि मरुस्थल, मरुस्थल यानी कि मरु का स्थल, ठीक है। अब ये मरु तो धीरे धीरे है, इसको हटा दिया है आम बोलचाल की भाषा में, और जो पश्चिमी राजस्थान है उसको थल या थड़ के नाम से जाना जाता है, और थड़ में जो बोली बोली जाती है उसे ही थली कहा जाता है, ठीक है, थली। और यहाँ पर इंग्लिश में इन्होंने थली यहाँ पर लिखा है, और इसी ट्रांसलेशन से इन्होंने थाली कर दिया है। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज हो सकता है। बाकी डटकी, थली, खिराड़ी और एक और उपबोली है जिसका नाम है गोडवाड़ी, ये भी किसकी है? इसी मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की है सॉरी, मेवाड़ी की नहीं है, ठीक है। मेवाड़ी पर्वतीय भाषा में जो बोली बोली जाती है वो पर्वतीय मेवाड़ी, और मैदानी भाषा में मैदानी मेवाड़ी। तो यही है, मेवाड़ी की इतनी ज्यादा कुछ उपबोलियां है नहीं। ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी की बहुत दो तीन महत्वपूर्ण सब डायलेक्ट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है तोरावाटी, तोरावाटी, राजावाटी और एक है नागरचोल। ये किसकी उपबोलियां हैं? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये किसकी उपबोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी की है। मेवाती की कौन सी है? तो मेवाती की है अहिरवाटी। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये अलवर के बहरोड़ और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाती की प्रसिद्ध उपबोली है अहिरवाटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? इन द राजस्थानी पोइट्स हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोइट ऑफ द रेनेसेंस। सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मनोज नैणसी, पृथ्वीराज राठौड़। तो राजस्थानी कवियों में नवजागरण रेनेसा के जो प्रथम कवि है वो माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकीय कवि थे, और मिश्रण की प्रसिद्ध जो रचना है उसमें वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंदम्युख, ये किसकी रचना है? ये है हमारे सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं है, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंद म्यूक, ठीक है। मेघराज मुकुल की एक प्रसिद्ध रचना है राजस्थानी भाषा में जिसका नाम है सेनानी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुनोत नैणसिंह ने में हमने अभी डिस्कस किया, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे।
मारवाड़ रा प्रगनारी विगत और मोणोत नरसिरी ख्यात इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पृथ्वीराज राठौड़ इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है और इसे पीथल भी कहा जाता है। ठीक है, पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें पाथल उन्होंने किसको कहा है? पाथल कहा है महाराणा प्रताप को और पीथल कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलित करना है हमें कूट के माध्यम से। राजस्थान के प्रसिद्ध संगीतज्ञ यानी कि संगीत का विशेष ज्ञान रखने वाले संगीतज्ञ और उन संगीतज्ञों ने किस किस प्रकार की रचनाएं की है, कौन कौन सी उनकी जो कंपोजिशन है उनको यहाँ पर सही से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर चांद खां, पुंडरिक विठल, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, द्वारिकानाथ भट्ट, ये है संगीतज्ञ म्यूजिशियन और ये है इनका कंपोजिशन। तो चांद खां ने लिखा था स्वर सागर। स्वर सागर और स्पष्ट सागर ये दो रचनाएं हैं, आप ध्यान में रखिए। स्पष्ट सागर और स्वर सागर ये किसकी है? चांद खां की है। ये जयपुर के दरबारी कवि थे, ठीक है, संगीतज्ञ थे। पुंडरिक विठल ने किसकी रचना की? तो पुंडरिक विठल ने रस मंजरी, पुंडरिक विठल ने रस मंजरी। यहां से अगर हम प्रश्न का हमारे आंसर है वो सही आ पाता है या नहीं वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए चांद खां स्वर सागर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा करेक्ट आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी से मिलान करो सही हो जाएगा। पुंडरिक विठल है यहाँ पर 1 में, ठीक है। तो रस मंजरी किसकी है? पुंडरिक विठल की है। और पुंडरिक विठल किसके दरबारी थे? तो ये माधो सिंह के दरबारी थे, जयपुर के शासक माधो सिंह, पुंडरिक विठल। रस मंजरी के अलावा इन्होंने रागमाला नामक और ग्रंथ की रचना की है, रागमाला। और इसने क्या लिखा है? नृतन निर्णय, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ध्यान में रखना कि पुंडरिक विठल किसके दरबारी थे? माधो सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे। इन्होंने रस मंजरी, रागमाला और नृतन निर्णय नामक संगीत ग्रंथों की है वो रचना की है। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने क्या लिखा है? संगीत सार। इस संगीत सार का पूरा नाम क्या है? राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का है। और देवर्षि ब्रजपाल भट्ट सवाई प्रताप सिंह के शासन काल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और प्रताप सिंह ने 22 कवियों की एक गंधर्व बाईसी की स्थापना की थी। गुणीजन खाना के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसी गुणीजन खाना के हिस्सा इसी का एक पार्ट देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे, जिन्होंने संगीत सार राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। और द्वारिकानाथ भट्ट ने राग चंद्रिका, राग चंद्रिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? द्वारकानाथ भट्ट ने की थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं, चांद खां स्वर सागर, द्वारकानाथ सॉरी पुंडरिक विठल, रस मंजरी, रागमाला, नृतन निर्णय, देवर्षि भट्ट संगीत सार यानी पूरा पढ़े तो राधा गोविंद संगीत सार, और द्वारिकानाथ भट्ट ने राग चंद्रिका नामक संगीत ग्रंथ की रचना है वो की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 है सही उत्तर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित थी? जगहितकारक, राजपूत गजट, राजस्थान समाचार, खिर ख्वाहे खलक। तो मोती बेगम ये राजपूत गजट इस समाचार पत्र से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको बताया कि एक समाचार पत्र जिसका नाम है राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली इसके एडिटर थे और 1882 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र पर सेंसरशिप लगा दी, बैन लगा दिया, और इसी मौलवी मुराद अली को जेल की सजा है वो भी इसी समाचार पत्र के लिए काटनी पड़ी थी। तो राजपूताना गजट ये पब्लिश कहाँ से होता था? तो एक प्रमुख जो केंद्र है वो अजमेर ही था, अजमेर से भी प्रकाशित होता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित मेलों को उनके आयोजन के माह से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कर।
ऊंट का चयन करें। ठीक है, मेले दे रखे हैं और मंथ दे रखे हैं। मंथ भी कैसे, जनवरी फरवरी नहीं, हिंदी मंथ। ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस प्रकार की। तो मेला दिया है सबसे पहले तो हमें पुष्कर जी का। पुष्कर जी का मेला अजमेर में आयोजित होता है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, और पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, तो 1 में 3 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, कितना इजी प्रश्न दे रखा है। चाहे आपको और कुछ भी ना आता हो, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा वाला कोलायत का मेला और पुष्कर का मेला, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। तो पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जीण माता का जो मेला है, ये चैत्र मास में और आश्विन मास में, यानी कि आश्विन और चैत्र की जो नवरात्रा है, इस नवरात्रों में किसका मेला लगता है, जीण माता का मेला लगता है। कहाँ पर, रेवासा सीकर में। भर्तहरी, राजा गोपीचंद भर्तहरी का मेला है, वो अलवर में लगता है। और इसका मेला है, इनका मेला है वो श्रावण, सॉरी, गोपीचंद जो भर्तहरी का मेला है, ये मेला वर्ष में 2 बार भरता है। और कहाँ पर, ये आप इसको काट दीजिए, गोपीचंद भर्तहरी का मेला भाद्रपद मास में, और 1 मास है वैशाख का। वैशाख और भाद्रपद मास में भर्तहरी का मेला भरता है वर्ष में 2 बार। तो इसमें वर्ष में 2 बार कौन कौन से मेले हैं, एक तो जीण माता का मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रा, और एक भर्तहरी का मेला जो भाद्रपद और वैशाख मास में। डिग्गी का मेला राजा दिग्वे, ये श्रावण की अमावस्या को भरता है, श्रावणी अमावस्या। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर तो हमने पहले ही देख लिया, 1 है। तो ये चीजें देखनी है, पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है अजमेर में, ठीक है। और ये जो मेला है, ये विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर पशु पक्षी, सॉरी, पशुओं की भी खरीद फरोख्त होती है, पशु मेला भी लगता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में, चैत्र अश्विन नवरात्रों में। भरतरी का मेला भाद्रपद और वैशाख मास में भरता है, और डिग्गी का मेला श्रावण मास में भरता है। और डिग्गी यहाँ पर किसका शासन था, डिग्गी में राजा दिग्व का शासन था, दिग्व या दिग्वे। और यही राजा दिग्वे एक बार क्या होता है, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु साक्षात रूप से प्रकट होते हैं और उनके इस राजा के कुष्ठ रोग का निवारण करते हैं, इसीलिए इनका कल्याण किया इन्होंने, भगवान विष्णु ने दिग्व का कल्याण किया, इसीलिए यहाँ पर डिग्गी को कल्याण जी के नाम से भी जाना जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला यहाँ पर लगता है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, और श्रावण अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकर्मण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, और ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। तो अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि सबसे प्राचीनतम है तो उसकी डेट क्या है, तो ये डेट मिलती है 1260 में। 1260 में तेज सिंह, क्या नाम है, शासक थे तेज सिंह, इन्होंने इस ग्रंथ को, इस चित्र को है वो चित्रित करवाया था। और तेज सिंह के शासनकाल में इसके पेंटर कौन थे, कमलचंद्र, यानी कि श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, जिसके पेंटर या चित्रकार कौन थे, तो कमलचंद्र थे। किसके शासनकाल में, तेज सिंह के, कब, 1260 में। और उसके बाद में एक प्रसिद्ध चित्र आया है, सुफा सुपाह सनाहा चरियम। तो सुपाह सना चरियम, इसमें भी यही माना जाता है कि इसमें जो भी पेंटिंग हुई है, वो पेंटिंग
मेवाड़ चित्र शैली के जो चित्रित ग्रंथ है प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसी से बहुत ज्यादा ये मिलता जुलता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके चित्रकार कौन है, तो सुपासनाचरियम के चित्रकार हीरानंद है। कौन सा नंद? हीरानंद। ठीक है, तो ये बात है इससे मेवाड़ चित्र शैली की। और महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ चित्र शैली का गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और राजस्थान की जो चित्र शैलियां है, ठीक है, पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान, तो इसमें क्या है कि सबसे जो मौलिक है, सबसे जो आधारभूत मूलभूत है, जिसमें राजस्थान की चित्र शैली की जो खास विशेषताएं झलकती है, वो हमारी मेवाड़ चित्र शैली ही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली या उप शैली से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर चित्रकार यानी कि पेंटर, और उन पर्टिकुलर जो पेंटर हैं, उन्होंने कौन सी स्टाइल में पेंटिंग है वो की है, तो ये चीजें हमें देखनी है। तो दूसरी बात, आपको अगर नहीं भी आती है तो यहां पर देखिए जयपुर चित्र शैली। मैंने आपको कई बार बताया कि साहिब दीन मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं, लेकिन साहिब राम और मोहम्मद शाह ये जयपुर चित्र शैली के प्रसिद्ध पेंटर हैं। तो यहाँ पर जयपुर अगर तीन में दो हम मिला देते हैं, फिर कोट की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल आता है। और वो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी में दो किस्में हैं, सी में दो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर एक में। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर तो निकल आता है। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं, किस प्रकार से आगामी एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें राजस्थान की जितनी भी चित्र शैलियां हैं, पेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनके जो पेंटर्स हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, उन चित्रकारों को हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा राजस्थान की कौन कौन सी चित्र शैली की क्या महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, क्या विशेषता है, वो भी देखना है। तीसरी बात, राजस्थान की चित्र शैली किसके शासनकाल में कौन सी चित्र शैली का गोल्डन एज माना जाता है, वो भी हमें देखना है। तो देखिए आप, इस प्रकार से इस ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर ये क्या मानता मानते हैं कि जो तिजारा है, तिजारा भी अलवर का ही है, अलवर शैली का ही एक सब स्टाइल है। और तिजारा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो तिजारा के प्रसिद्ध चित्रकार है नंदराम और जमुना दास। नंदराम, जमुना दास, बक्सा राम, ये जो चित्रकार है ये अलवर शैली और ये इस तिजारा शैली के ही चित्रकार हैं। इसके अलावा जो बलदेव और गुलाम अली है, ये अलवर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। और अलवर चित्र शैली का अगर आपको गोल्डन एज पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? विनय सिंह। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से मुगल काल में अकबर के काल में चित्र शैली का जिस प्रकार से विकास हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अलवर में विनय सिंह के काल में चित्र शैली का प्रादुर्भाव है, वो देखा जाता है। और बलदेव और गुलाम अली, इनसे इन्होंने विनय सिंह से क्या करवाया, विनय सिंह ने क्या करवाया, इन्होंने शेख सादी की गुलिस्तियां की पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों को इन्होंने चित्रित करवाया था। किससे? बलदेव और गुलाम अली से। किसने? विनय सिंह ने। आपसे पूछा जाए कि शेख सादी की गुलिस्तियों की पांडुलिपियां कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, तो ये अलवर चित्र शैली की विशेषता है। किसके शासन काल में ये उकेरी गई, सामने आई, तो विनय सिंह के शासन काल में। पेंटर कौन थे? तो बलदेव और गुलाम अली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक पेंटर का नाम और आता है, वो है सालिग्राम। सालिग्राम वैसे जयपुर चित्र शैली से ही है, लेकिन ये जो अलवर की चित्र शैली है, ये मूलतः जयपुर चित्र शैली से ही इसका विकास हुआ है, ये निकली है। ठीक है, साहिब राम और मोहम्मद शाह,
ये आपके जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। और जयपुर के आपको पूछा जाए कि जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइए, या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ। जयपुर के जो प्रताप सिंह है, इसी के शासनकाल को जयपुर चित्रशैली का गोल्डन एज माना जाता है। साहिब राम, मोहम्मद शाह, इसके अलावा लालचंद, हुकमा, शालिग्राम, ये सभी इसी जयपुर चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तिजारा की, तो तिजारा के नंदलाल, जमुनादास, बक्साराम, ये प्रमुख पेंटर हैं। और किशनगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रशैली है, और किशनगढ़ के प्रमुख जो चित्रकार है वो मूलराज, भीकचंद, और एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पीछे रह गया है, उसका नाम है मोरध्वज, या इसे निहाल चंद भी कहते हैं। ये भी किसी के किशनगढ़ चित्रशैली के प्रसिद्ध पेंटर हैं। और किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन, डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन को इस किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो दिया जाता है। और इस डॉक्टर एरिक डिक्सन ने इस मेवाड़ चित्रशैली को, यानी कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को, इस बड़ी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली का जो प्रसिद्ध जो चित्र है उसका नाम है बड़ी ठनी। और बड़ी ठनी को राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की मोनालिसा की संज्ञा किसने दी थी? एरिक डिक्सन ने दी थी, ठीक है। और बड़ी ठनी के पेंटर कौन थे? तो निहाल चंद मोरध्वजी बड़ी ठनी के पेंटर थे। और किशनगढ़ के शासक जिसका नाम है नागरीदास या सावंत सिंह, इसी के शासनकाल को किशनगढ़ चित्रशैली का गोल्डन एज माना जाता है, ठीक है। और बड़ी ठनी का जो चित्रांकन हुआ था वो इसी किशनगढ़ के, सॉरी, इसी नागरीदास या सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो मेवाड़ प्रजामंडल का स्थायी कार्यालय कहाँ पर था, यहाँ पर अस्थायी है, तो उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं कि इसका स्थायी कार्यालय कहाँ था। तो स्थायी कार्यालय है वो आपका उदयपुर में था, ठीक है। अब उदयपुर में स्थायी कार्यालय था तो अस्थायी कार्यालय, अस्थायी जो टेम्पररी ऑफिस है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए आप, 24 अप्रैल 1938 को क्या हुआ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा का इसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ था, योगदान था, लेकिन इनका अध्यक्ष है वो बलवंत सिंह को बनाया गया। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे, भूरेलाल बयां इसके उपाध्यक्ष बने, और वर्मा जी इसके महामंत्री है वो बने थे, ठीक है। तो इस प्रकार से 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल गठित हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी कि मई 1938 में इस मेवाड़ प्रजामंडल को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसने? मेवाड़ के शासक और अंग्रेजों ने। अब गैर कानूनी घोषित किया और माणिक्यलाल वर्मा को ये आदेश दे डाला कि आपको मेवाड़ से देश निकाला दिया जाता है, मेवाड़ आप छोड़कर चले जाइए, ठीक है। तो अब माणिक्यलाल वर्मा महात्मा गांधी जी के पास में जाते हैं। गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी वर्धा आश्रम में थे, ठीक है, महाराष्ट्र में। वहां से गांधी जी से मिले, और उसके बाद में गांधी जी से सलाह मशविरा करने के बाद में उन्होंने तय किया कि अजमेर को एक टेम्पररी ऑफिस के रूप में चुना जाए, और वहीं से महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही ये अजमेर आए, और अजमेर में इस मेवाड़ प्रजामंडल का एक टेम्पररी ऑफिस है वो एस्टैब्लिश्ड किया। और यही जो कारण था कि अजमेर में इन्होंने अस्थायी कार्यालय है वो स्थापित किया। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है वो ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, अजमेर। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अजमेर में ये जो कार्यालय है ये क्यों खोला गया था। और माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक प्रसिद्ध यहाँ पर पुस्तक लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन,
और इस पुस्तक में इन्होंने बहुत ही कटु आलोचनाएं की थी अंग्रेजों की कि मेवाड़ का जो वर्तमान शासन है वो किस प्रकार का है। और पंछीड़ा भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसी का, इन्हीं का, माणिक्यलाल जी वर्मा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था। ऑप्शन है रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़, नानक जी भील और बाल मुकुंद पीलुआ। इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, नानक जी भील। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर डाबी हत्याकांड यानी कि डाबी किसान आंदोलन के दौरान झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, और इकराम हुसैन अंग्रेज एजेंट ने गोली मार दी थी और गोली की वजह से नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई झंडा गीत गाते समय। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डाबी हत्याकांड कब हुआ ये आपको डेट भी ध्यान होनी चाहिए क्योंकि काफी बार पूछ ली जाती है। तो 2 अप्रैल 1923 को ये हत्याकांड है वो हुआ था। ऑप्शन भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण दे रखे हैं, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। तो ये रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में ये भी शहीद हुए थे? तो ये बेंगू बेंगू किसान आंदोलन या बेंगू हत्याकांड। ठीक है, और ये बेंगू किसान आंदोलन भी 1923 में ही हुआ था, 23 में ही ये शहीद हुए थे। ठीक है, और इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया था, कमीशन भी गठित हुआ था, जिस कमीशन का क्या नाम था? ट्रेंच कमीशन। तो आपको पूछा जाए कि ट्रेंच कमीशन किस के लिए गठित किया गया था, किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा साक्ष्य, कौन सा जो एविडेंस है वो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? विकल्प है राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और यह सभी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट हैं। मेवाड़ के जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या फिर जितनी भी प्रशस्तियां हैं, अभिलेख हैं, उन सभी में यह बात लिखी गई है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, उस युद्ध में महाराणा प्रताप है वो विजयी रहे थे। लेकिन जितने भी मुगलों के ग्रंथ हैं उसमें यह बताया गया है कि अकबर है वो विजयी रहा था। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, अपने की जो पक्ष है वो हर कोई लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकार है वो बताते हैं कि ये एक अनिर्णायक युद्ध रहा था जिसमें नहीं मान सकते कि किसी की विजय हुई थी। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व में कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था और वर्षेज महाराणा प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मान सिंह से जुड़ा एक प्रश्न तो स्टार्टिंग में था और एक इसमें पूछा गया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो मान सिंह को बंगाल का, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, और उड़ीसा को इन्होंने क्या किया था? विजित किया था, जीतकर अकबर को प्रदान किया था उड़ीसा को। ठीक है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक स्थान है जिसका नाम है एलिचपुर, एलिचपुर महाराष्ट्र में इस मान सिंह की है वो मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1614 में। ठीक है, कुछ किताबों में आपको बंगाल भी मिलेगा कि बंगाल अभियान के दौरान वापस आते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर माना जाता है वो महाराष्ट्र एलिचपुर है। बाकी बोर्ड क्या मानता है क्या नहीं मानता है फाइनल आंसर की पर पता चल जाएगा, लेकिन एलिचपुर है वो सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट है प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजब दे पंवार, हंसा बाई, छत्र कुंवरी या किरण देवी?
प्रेम विनोद नामक ग्रंथ है, ये छत्र कुंवरी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। बाकी जो अजब दे पंवार है ये कौन थी? तो महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम है अजब दे पंवार, और हंसा बाई राणा लाखा की धर्मपत्नी का नाम है। वैसे आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि राव चूंडा से रणमल की जो बहन है हंसा बाई, तो ये रिश्ता तो राव चूड़ा के लिए आया था, लेकिन राव राणा लाखा ने है वो स्वीकार कर लिया था। फिर लाखा के साथ में ये शादी है वो तय हुई, और रा जो चूड़ा है चूड़ा ने आजीवन अविवाहिता रहने की भीष्म प्रतिज्ञा है वो ले ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा छत्र सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सूरत सिंह और महाराजा मान सिंह। तो 1817-18 की जो संध्या हुई थी उसमें अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेडकॉक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संधियों में जो भी बातचीत है वो चार्ल्स मेडकॉक ने की, और जोधपुर का शासक मान सिंह था जिन्होंने अलाइनमेंट में हिस्सा लिया। लेकिन अंग्रेजों ने इन शासकों को परेशान कर रखा था। सबसे पहले तो इन्होंने 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की एरिनपुरा में। उसके बाद में इन्होंने 1839 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। नमक जो संधि हुई थी जयपुर और जोधपुर के साथ में, उन पर भी अंग्रेजों ने एकाधिकार कर लिया, सांभर झील पर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये राजस्थान के शासक है वो अंग्रेजों से तंग आ गए, और इन्होंने अंततः मान सिंह ने 1843 में सारा का सारा जो कामकाज है वो अंग्रेजों को सौंप दिया, और कहा कि मुझे तो आप एक पेंशन के रूप में राशि है वो अदायगी करना स्टार्ट कर देना, बाकी का काम आप संभालो, सेना आप संभालो, और जो भी सिक्योरिटी का मामला है वो आपके हाथों सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जोधपुर के शासक जिसका नाम है महाराजा मान सिंह, इन्होंने अंततः संन्यास ले लिया, और महाराजा मान सिंह ने जो महामंदिर है जोधपुर का, नाथों का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, इसका निर्माण भी महाराजा मान सिंह के ही शासनकाल में हुआ था। दूसरी बात, बांकीदास, बांकीदासरी ख्यात, जिसमें जोधपुर और जयपुर की स्थापना की भी हमें जानकारी मिलती है, तो ये बांकीदास की ख्यात है ये भी महाराजा मान सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी। बांकीदास महाराजा मान सिंह के ही दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? जय नारायण व्यास, नैनुराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, शिवराज जोशी। तो पीड़ितों का पंछीड़ा या फिर पंछीड़ा जो लोकगीत है ये आपकी विजय सिंह पथिक जी की रचना है। ऑप्शंस 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1897 में शुरू होता है, और 1916 में इसका नेतृत्व कौन संभालते हैं? विजय सिंह पथिक संभालते हैं। रास बिहारी बोस के प्रयासों से ये राजस्थान में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो विजय सिंह पथिक ने ही पीड़ितों का पंछीड़ा या पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है। राजस्थान में किसान आंदोलनों का अगर किसी को जनक के रूप में कहा जाता है तो वो आपको विजय सिंह पथिक को ही कहा जाता है। इसके अलावा नैनूराम शर्मा भी विकल्प में है, तो नैनूराम शर्मा आपके हाड़ौती प्रजामंडल के प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, और जयनारायण व्यास ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा जयनारायण व्यास ने, आपको पता होगा, मारवाड़ युद्ध लीग की भी स्थापना की, और इन्होंने भी रचनाएं लिखी है जैसे कि आगी बाण, आगी बाण हो गई, पीप हो गई, ये जो रचनाएं हैं ये जयनारायण व्यास जी की है। ठीक है, तो यहां पर विकल्प हमारा 3 करेक्ट है। पीड़ितों का पंछीड़ा रचना आपके विजय सिंह पथिक जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था?
राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास, ठाकुर कृष्ण सिंह। तो बिजोलिया ठिकाना आपका कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, और इस बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। अशोक परमार, एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो बिजोलिया ठिकाना है, ये खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा का सहयोग दिया था, संग्राम सिंह का सहयोग दिया था। कब? 1527 ईस्वी में, और उसी समय राणा सांगा ने प्रसन्न होकर इन्हें, ये जो बिजोलिया ठिकाना है, ये अशोक परमार को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, तो इनके संस्थापक अशोक परमार है, जो राणा सांगा से इन्हें भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था अशोक परमार को। ठीक है, और इसी बिजोलिया ठिकाने से आपका 1897 में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि 1941 तक चलता है। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, और उसके बाद में 1916 में, मैंने अभी आपको बताया, विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व संभालते हैं, और ये किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पर बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक आपसे पूछा है, फाउंडर पूछा है, तो वो है आपके अशोक परमार। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में बिजोलिया की ओर से किसने भाग लिया था? तो अशोक परमार ने भाग लिया था। ठीक है, साथ ही साथ बिजोलिया के बारे में बात करें, तो बिजोलिया में यहाँ पर एक बिजोलिया नाम से, यानी कि एक बिजोलिया अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बिजोलिया अभिलेख किसकी जानकारी देता है? चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख के रचनाकार गुणभद्र हैं। ठीक है, क्या नाम है? गुणभद्र। और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और चौहान वंश के आदि पुरुष चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान द्वारा 551 में जो सांबर झील है उसका निर्माण करने का भी साक्ष्य हमें इसी बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रताप, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, राजस्थान। तो यहाँ पर ये जो तीन है, प्रताप, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, ठीक है, तो यहाँ पर नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद हुआ, उसके बाद में तरुण राजस्थान है वो शुरू हो गया था। अब देखिए आप, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बाद में 1919-20 में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है वो विजय सिंह पथिक और उनके सहयोगियों द्वारा स्टार्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। इसके बाद में 1922 में नवीन राजस्थान समाचार पत्र है वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र में अंग्रेज विरोधी जो गतिविधियां होती है, अंग्रेज विरोधी जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनका प्रकाशन किया जाता है, जनता को जागरूक किया जाता है, तब क्या होता है कि अंग्रेज इस पर सेंसरशिप लगा देते हैं, बैन कर देते हैं नवीन राजस्थान को। तो नवीन राजस्थान को जैसे ही बैन किया जाता है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक वर्ष बाद में 1923 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र है वो पुनः प्रकाशित कर दिया जाता है एक नए नाम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर नवीन राजस्थान के बाद में पुनः तरुण राजस्थान, शुरुआती राजस्थान केसरी, उसके बाद में नवीन, उसके बाद में तरुण। और जो प्रताप समाचार पत्र था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की, तो बिजोलिया किसान आंदोलन केवल बिजोलिया ठिकाने तक ही सीमित था, लेकिन ये पूरे भारत में इसी प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से ही चर्चा का विषय बना। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर उत्तर प्रदेश, और इसके जो एडिटर थे, इसके संपादक थे, वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत भर में चर्चित बनाने का कार्य है वो किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में
है। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है, यानी कि राजस्थान की जो रियासतें हैं उनका जो इंटीग्रेशन हुआ था उनका आरोही क्रम आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सी रियासत आई थी, उसके बाद में कौन सी आई। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट तो हुआ था कब, 18 मार्च 1948 को, एंड कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब इस अवधि के दौरान कुल 7 स्टेप हुए। पहला जो चरण है उसका नाम था मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन भी कहते हैं, तीसरा चरण है संयुक्त राज्य राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट राजस्थान, चौथा चरण है वृहद राजस्थान, पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, और इस प्रकार से लगभग 7 चरण है, लगभग क्या, निश्चित तौर पर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है वो संपन्न हुआ। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम चरण में कौन थे, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली और नीमराणा एक ठिकाना था, वो प्रथम चरण में था, तो इसमें से तो कोई भी किसी विकल्प में है नहीं। तो दूसरे चरण पे आते हैं, दूसरा चरण था राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा, ये तो किसमें थे, मत्स्य संघ में थे। दूसरे में है बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। इस प्रकार की जो झालावाड़, ये जो रियासतें हैं ये किस किसान आंदोलन में थी, सॉरी, ये जो रियासतें हैं ये आपकी राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन में थी, यानी कि दूसरे चरण में। तो यहाँ पर कौन आती है, टोंक आती है। ठीक है, तो टोंक दूसरे चरण में थी। अब दूसरे चरण के साथ में जब उदयपुर को शामिल किया जाता है तो तीसरे चरण का गठन होता है, और तीसरे चरण में उदयपुर शामिल किया गया था, तो ये तीसरे चरण में आ जाएगा, संयुक्त राज्य राजस्थान। और चौथा चरण जो वृहत राजस्थान है, 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया, और उसमें राजस्थान की जितनी भी बड़ी रियासतें थी, जैसे जैसलमेर हो गई, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये जो रियासतें हैं वो चतुर्थ चरण में अस्तित्व में आई, वृहत राजस्थान में। ठीक है, तो इस वृहत राजस्थान में जैसलमेर शामिल थी, तो ये 4 नंबर हो जाएगा, और अजमेर, मेरवाड़ा जो कि सी कैटेगरी का प्रिंसिपली स्टेट था। ठीक है, और ये जो राज्य है ये चीफ कमिश्नर श्रेणी का था, अजमेर मेरवाड़ा, और ये 7वें चरण में अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से ये जो अरेंज किया हुआ है ये बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, यानी बड़ी से छोटी की ओर हमें देखना है। तो सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली, यही है डिसेंडिंग ऑर्डर इसका। सायरा जो कि उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। डोरा पर्वत जालौर में है, 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाग पहाड़ अजमेर में है, 795 मीटर ऊंचा है। और बिलाली कहाँ है, बिलाली रोजा भाकर, ये आपका अलवर में है, और ऊंचाई की बात करें तो इसकी 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये है अरावली पर्वतमाला की चोटियों का डिसेंडिंग ऑर्डर। अरावली पर्वतमाला से जुड़े बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी कई बार बता दिया है कि अरावली की जितनी भी चोटियां हैं, पर्वत चोटियां, उनके जितने भी दर्रे हैं, उनकी मेन क्या क्या विशेषता है, इनके फीचर है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि जो अरावली है ये राजस्थान के और भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। गुजरात के पालनपुर से लगाकर दिल्ली की रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य राष्ट्रपति भवन तक 692 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण जो पश्चिम भाग है ये सिरोही से लगाकर सीकर झुंझुनू तक ये
550 किलोमीटर यह राजस्थान में फैली हुई है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अरावली का जो 80% हिस्सा है वो केवल और केवल राजस्थान में है, ठीक है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम ओल्डेस्ट फोल्डेड यानी कि वलित अरावली राजस्थान की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और वर्तमान में ये किस प्रकार में अवशिष्ट अवस्थित है, ये अवशिष्ट रूप में यानी कि बची कुची है, ये अवशिष्ट रूप में वर्तमान में विद्यमान है। ये चीजें भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। और राजस्थान के दक्षिण यानी कि राजस्थान को इस प्रकार से अगर राजस्थान को देखा जाए, राजस्थान को ये बराबर दो भागों में विभक्त करती है, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये अरावली के समानांतर ही गुजरती है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट मैच। राजस्थान की रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो दे रखी है, बनारस की कोठारी, लूनी की सागी, काली सिंध की आहू और माही की वाकल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा, माही की वाकल सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो वाकल किसकी सहायक नदी है, हमने कई बार पहले भी ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो में भी आपको बताया कि वाकल, वत्रक, मेश्वा, हतमती, माजम ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती। साबरमती राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है और गुजरात में ये जाती है, ठीक है। तो साबरमती की सहायक नदियां हैं वाकल, वत्रक, मेश्वा, हतमती, माजम, ठीक है, लेकिन माही की नहीं है। माही की जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है, चाप, एराव, हरण, मोरेन, इसके अलावा सोम, जाखम, ये जो नदियां हैं ये सभी इस माही की सहायक नदी है। और सोम, माही, जाखम डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का भी निर्माण करती है। काली सिंध की आहू सहायक नदी है, और आहू और काली सिंध ये दोनों ही किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और आहू और काली सिंध इन नदियों के संगम पर आपके झालावाड़ में एक दुर्ग भी बना हुआ है जिसका नाम है गागरोण दुर्ग, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध जल दुर्ग की कैटेगरी का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध किला है। लूनी नदी की बात करें तो सागी इसकी सहायक नदी है, और सागी वैसे लूनी की अंतिम रूप से बाई ओर मिलने वाली सहायक नदी में शामिल है। और सागी है वो प्रत्यक्षतः लूनी में नहीं मिलती है, ये पहले जवाई में मिलती है, और जवाई है ये जाकर लूनी में मिलती है। लूनी की और सहायक नदियों की बात करें तो सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, खारी ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। बनास की बात करें तो बनास खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है इसका, और इसे वन की आस और वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी इसकी सहायक नदी है, इसके अलावा खारी भी इसकी सहायक है, बांडी, मानसी और डाई ये जो नदियां हैं ये इसी की सहायक नदी है, बनास की ही, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रमुख जिले दी हुई हैं और ये जिले कौन से जिले में लोकेटेड हैं, उन जिलों का भी नाम दे रखा है। तो अजमेर जिले में कौन सी झील है, तो अजमेर में आपकी फॉय सागर झील है, और एक है आना सागर। आना सागर और फॉय सागर कहाँ है, अजमेर में है। डूंगरपुर में आपकी गेप सागर झील है। जोधपुर में कौन सी है, प्रताप सागर, सर प्रताप, ठीक है। इसके अलावा कायलाना झील जोधपुर में है, और एक जोधपुर में है बालसमंद। बालसमंद, कायलाना और प्रताप सागर ये जोधपुर की झीलें हैं। और भुज झील ये कहाँ पर है, जैसलमेर की झील है, और इस झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो काकनी या मसूरती जिसे कहते हैं, ये नदी कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है और भुज झील का निर्माण करती हुई यहीं पर विलुप्त तो हो जाती है। तो जैसलमेर में भुज झील स्थित है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? अलवर, सिरोही, कोटा, भरतपुर। तो सालार के वन राजस्थान के अलवर जिले में, सिरोही में, उदयपुर में, पाली में और इसके अलावा अजमेर जिले में भी सालार के वन वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन कोटा जिले में नहीं पाए जाते हैं। सालार के वृक्ष 450 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में मुख्यतः देखे जाते हैं और ये किसके सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं? तो RSMSSB ने भी कई बार प्रश्न पूछ लिया है कि गोंद के अच्छे स्रोत हैं वो सालर के वृक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सीकर व नागौर, हनुमानगढ़ व बीकानेर। तो कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और दक्षिणी भाग में कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़, यहीं पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है अकॉर्डिंग टू कोपेन। और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश भी AW ही है, ठीक है। और कोपेन के अनुसार BSHW राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब बात करते हैं और विकल्पों की, तो हनुमानगढ़ और बीकानेर किस में आते हैं? तो ये आएंगे आपके BWHW जलवायु खंड में। सीकर और नागौर ये आ जाएंगे आपके BSHW में। भरतपुर और अलवर आ जाएंगे CWG जलवायु प्रदेश में। कोपेन ने मोस्टली राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, जिसमें BWHW ये वेस्टर्न राजस्थान, BSHW यानी कि ये अर्ध शुष्क राजस्थान, CWG उत्तर पूर्व मैदानी प्रदेश, AW राजस्थान का दक्षिणी आर्द्र मैदानी प्रदेश है, वो AW में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुकुंदरा की पहाड़ियां भाग है, तो मुकुंदरा हिल्स आर द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? मध्य अरावली का, पूर्वी अरावली का, हाड़ौती का पठार या फिर लूनी बेसिन। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः कोटा जिले में फैली हुई हैं और कोटा किसका भाग है? हाड़ौती का। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये हाड़ौती के ही पार्ट हैं, तो ये हाड़ौती पठार का ही भाग है। कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, नदियों का उद्गम स्थान दे रखा है? बेड़च नदी, गोगुंदा की पहाड़ियां, गंभीरी नदी, जावर पहाड़ियां, बाणगंगा नदी, बेराट की पहाड़ियां और माही नदी, कमनौर की पहाड़ियां। तो यहाँ पर डी नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, क्योंकि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी की, सॉरी, मेहद झील से होता है। मेहद झील कहाँ से? मध्य प्रदेश से। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से। तो यहाँ पर डी है, ये करेक्टली मैच नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात, रूरल सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है? पाली, राजसमंद, डूंगरपुर और जालौर। तो देखिए, 2011 की जो सेंसस है इसके अकॉर्डिंग पाली का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से अधिक है। पाली का कौन सा? शहरी नहीं, ग्रामीण लिंगानुपात, गांव का लिंगानुपात। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। कितना है? 1003। 1003 पुरुष है किस पर? प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1003 यानी कि 1000 पुरुषों पर 3 लड़कियां हैं, वो ज्यादा है कौन से जिले में? पाली जिले में। और ये कौन सा ग्रामीण लिंगानुपात है? शहरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं RPSC के पेपर्स में, ठीक है, और भी RSMSSB के पेपर में भी अगर आपको जनसंख्या से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें भी ये प्रश्न देखने को हमें मिल जाएगा। अब अगर ऑल ओवर कंट्री
लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है, तो सबसे ज्यादा है डूंगरपुर का। कितना है? 994, यानी कि 1,000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 994 डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में राजसमंद की बात आती है, तो राजसमंद में 990 है। और तीसरा नंबर लगता है पाली जिले का 987। ये तो ऑल ओवर सेक्स रेशियो की बात हो गई। पहले नंबर पर कौन है? डूंगरपुर, दूसरे नंबर पर राजसमंद, तीसरे नंबर पर पाली। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि ग्रामीण लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, तो वो है पाली का 1,003। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया? नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो मित्रों, ये जो दशकीय परिवर्तन है ये सबसे ज्यादा वही होगा जहां पर ये चीजें कम होती है। ठीक है, जैसे कि अगर माना जाए कि आपका बाड़मेर, जैसलमेर, ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या सबसे कम है, तो दशकीय वृद्धि दर भी यहाँ की सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी अनुसूचित जनजाति SC ST की बात करें तो ये इसमें भी सेम ही सिचुएशन है। तो आपकी नागौर और बीकानेर जिले में ST की जनसंख्या सबसे कम है, न्यूनतम है, तो सबसे अधिक दशकीय परिवर्तन भी यहीं पर अंकित किया गया है, नागौर जिले में। नागौर जिले में अगर ST जनसंख्या की बात करें तो नागौर की कुल जनसंख्या का मात्र 0.31% जनसंख्या ही ST की है, और बीकानेर की 0.33% जनसंख्या ही ST की है। ठीक है, और ST की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या का 76% जो भाग है वो ST है, और डूंगरपुर में 70% जनसंख्या ST की है। पूरी ओवरऑल अगर ST जनसंख्या की राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की कुल पॉपुलेशन का 13.48% भाग पर शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, और SC की बात करें तो SC आपकी लगभग 17.8% भाग पर SC की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन है वो आपका नागौर जिले में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता अंकित की, 2011 में जालौर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही, बीकानेर जिले में जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया, 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही। सभी फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसमें कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर का है वो चयन करना है। कूट भी इस प्रकार से दे रखे हैं, आप देख लीजिए। तो इसमें एक नंबर विकल्प को अगर देखा जाए, 2011 में कोटा जिले में जिले ने 76.6% साक्षरता अंकित की। कोटा की जो लिटरेसी रेट है वो 76.6% है 2011 में। यह बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राजस्थान का जिला भी यही है। इसके बाद में बात करें तो 2011 में जालौर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। हमारे जालौर जिला महिला साक्षर या पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, और इसकी महिला साक्षरता की बात करें तो 38.5% जालौर की महिला साक्षरता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या अंकित किया, जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर ये सी है, ये सही नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, केवल सही वाले ऑप्शंस को ही यहाँ पर कूट में तवज्जो देनी है, तो ये नहीं है। और 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही, ये भी सही है। तो इसमें A, B और D यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नहीं है। क्योंकि बीकानेर जिले को अगर देखा जाए तो ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से
दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर कौन था? जैसलमेर था, और इसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसकी जनसंख्या घनत्व है? जैसलमेर का है। और बीकानेर का, अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है 78, और उसके बाद में जो नंबर आता है बाड़मेर का 92। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? वाटर लॉगिंग से कौन सा जिला अफेक्टेड है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, चूरू एवं भीलवाड़ा। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो उत्तरी जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, ये वाटर लॉगिंग की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में नहर की बात करें तो सबसे पहले नहर है वो इन्हीं जिलों में आई थी, गंग नहर, महाराजा गंगा सिंह यहाँ पर 1927 में गंग नहर को है वो लाने का श्रेय दिया जाता है। तो गंग नहर आई, उसके बाद में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आ गई, और इन्हीं नहरों की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है वो बढ़ती गई। इसीलिए यहाँ पर जो सेम की समस्या है, जल भराव की समस्या है, वो एक सबसे प्रमुख समस्या मानी जाती है किसानों के लिए। तो यहाँ पर एक नंबर है गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। तो सूरा घाट, शिवपुर घाट ये क्या है? तो ये पासेज हैं, दर्रे हैं अरावली पर्वतमाला के। ठीक है, तो ये अरावली के किस भाग में स्थित हैं? दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिण पूर्वी पठार में? तो सूरा घाट, शिवपुर घाट, बर परवेरिया, ये जो दर्रे हैं ये राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है इसके मध्य भाग में स्थित है, मध्यवर्ती अरावली में। ऑप्शन नंबर 3 है। और कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर? एक ध्यान रखिए बर नाम से है, और एक है परवेरिया। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट ये क्या कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, ब्यावर अजमेर के अरावली के दर्रों के नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अरावली के कौन कौन से दर्रे हैं, तो दक्षिण अरावली के कामली घाट, गोरम घाट और पाली में आपका देसूरी की नाल दर्रा है। ठीक है, तो ये दर्रे देसूरी की नाल, कामली घाट, गोरम घाट, ये दर्रे दक्षिण अरावली में हैं, और मध्य अरावली के चार दर्रे प्रमुख हैं जो बर परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, ये दर्रे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अरावली के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित यानी कि फोल्डेड माउंटेन है, पर्वतमाला है। ठीक है, और अगर वर्तमान में ये किस प्रकार से अवस्थित है, तो वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में विद्यमान है, आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में इस अरावली, पूरी अरावली का लगभग 80% जो भाग है वो राजस्थान में है। 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। ऑल ओवर अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि गुजरात से लगाकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक, रायसीना की पहाड़ियों तक ये अनवरत रूप से फैली हुई है। और जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो मरुस्थलीकरण में एक सशक्त अवरोध का कार्य भी इसी अरावली पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान की जो समवर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसी अरावली के समानांतर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, इसको किसने संतों का शिखर है वो कहा था, आप बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, सीमेंट उद्योग, रंगाई व छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चर्म उद्योग। लूनी नदी आधी मीठी और आधी खारी नदी,
इसी लूनी नदी को कहा जाता है। नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो लूनी नदी में जो वाटर पोल्यूशन है, इसका जो मेन कॉज है वो है डाइनिंग डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, रंगाई और छपाई जो उद्योग है वो है। 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लूनी नदी बालोतरा से और इन बाड़मेर जालौर से होती हुई प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रंगाई और छपाई के कारखाने हैं। इसी वजह से ये इन्हीं कारखानों के रंगाई और छपाई उद्योग की वजह से सबसे ज्यादा है वो प्रदूषित होती है। ठीक है, और लूनी नदी जब जहाँ से उद्गम होती है वहां पर तो इसका पानी है वो मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर बाड़मेर के जब बालोतरा में ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर लवणीय भूमि के संपर्क में आने से इसका जल है वो खारा हो जाता है। इसीलिए इस रिवर को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई? 2012, 8, 1 या 2010? तो राजस्थान की जो एनवायरनमेंट पॉलिसी है, पर्यावरण नीति है, जिसे वन नीति भी कहते हैं, तो ये हमारी 2010 में प्रभावी हुई थी, फरवरी 2010 में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो जल नीति है ये भी राजस्थान में, वाटर जो पॉलिसी है ये भी 2010 में ही घोषित की गई थी, और वन नीति को वर्तमान में एक नवीन वन नीति में प्रतिस्थापित करने का भी कार्य है वो चल रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के वर्तमान में वन और पर्यावरण मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए जरा। किस किस को पता है? आई थिंक ये आप सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान के जो भी मिनिस्टर्स हैं इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, RSMSS भी ने इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया है और RPSC के पेपर में भी ये प्रश्न हमें देखने को मिला है कि मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन का जो मानव जनित कारण है वो कौन सा नहीं है इसमें। वैसे इस चारों ऑप्शंस में जो दे रखे हैं चारों ऑप्शन, ये सभी मरुस्थलीकरण के कारण है, लेकिन जो मनुष्य के द्वारा जो प्रोड्यूस कॉजेज है वो कौन सा नहीं है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है, आप कमेंट करके बताना है ये सवाल। और साथ ही साथ मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक कौन सा नहीं है इसमें ये पूछा गया है, तो यहाँ पर अतिचारण दिया है, ओवर ग्रेजिंग। तो अतिचारण कौन करवाता है? मनुष्य के द्वारा ही तो ये किया जाता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, चेंज इन लैंड यूज, जो लैंड जो पैटर्न होता है उसमें परिवर्तन, ये भी मनुष्य के द्वारा होता है। अल्प वर्षा और नगरीकरण, जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, ये भी मनुष्य के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प वर्षा है, वर्षा पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, अल्प वर्षा हो या अधिक वर्षा हो। ठीक है, सूखा अकाल की स्थिति, ये जो कारण है ये मानव जनित कारक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प वर्षा, वैसे देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये सवाल है कि मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण के कारण आप क्या बताएंगे? एक तो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, यानी कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा तो शहरीकरण के लिए भी भूमि की तो जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, और भूमि कहाँ से प्राप्त होगी? जहां पर वर्तमान में जंगल है तो जंगलों को काटकर शहरों में तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे भी जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये भी एक मरुस्थलीकरण का कारण है वो बनता जा रहा है। इसके अलावा जो अतिचारण है, ज्यादा किसी भी भूमि पर पशुओं के द्वारा ग्रेजिंग होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भूमि की ऊपरी जो भूपर्पटी है उसमें काफी शिथिलता आ जाती है, और एक स्थान से दूसरी स्थान पर जो
ऊपरी परत है उसका ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है। तो इसी प्रकार से जो अतिचरण है, ओवर ग्रेजिंग है, ये भी डेजर्टिफिकेशन का एक कारण बनता जा रहा है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, यानी कि एक ही भूमि पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है, वो अगर नहीं बोई जाती, अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो अगर नहीं बोई जाएगी, एक ही प्रकार की फसलें बोई जाएगी, तो वो भूमि की उर्वरता जो क्षमता है उसको भी नष्ट करेगी और वो भूमि धीरे धीरे मरुस्थलीकरण में तब्दील होती जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्टली डेजर्टिफिकेशन के मेन जो कारण है। ठीक है, साथ ही साथ जो अल्प वर्षा है, कम वर्षा होगी तो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण है वो होता जाएगा। तो ये भी मरुस्थलीकरण का तो कारण है, लेकिन मानव जनित कारक नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और एक सवाल आपसे कि राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीकरण से युक्त है, यानी कि राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नवलखा झील किस जिले में है? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर या टोंक? नवलखा बुर्ज, नवलखा द्वार, नवलखा झील, इनसे जुड़े प्रश्न आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर नवलखा झील से जुड़ा प्रश्न पूछा है, तो ये कहाँ पर है? अजय जी, मीणा, सुखराम, बिश्नोई। हाँ बिल्कुल, राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री है सुखराम बिश्नोई। ठीक है, तो नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। एक नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर। तो नवलखा जो झील है ये तो आपकी कौन से जिले में है? बूंदी जिले में है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि नवलखा जो बावड़ी है वो कहाँ पर है, तो बावड़ी आपकी है डूंगरपुर में। और नवलखा बुर्ज पूछा जाए तो वो है चित्तौड़ में। ठीक है, और नौलखा मैंने आपसे क्या कहा, नौलखा दरवाजा वो रणथंभौर दुर्ग में है सवाई माधोपुर में। ठीक है, द्वार या दरवाजा। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? मालती माधव के चित्र किस शैली से संबंधित है? अब मालती माधव के जो चित्र है वो वैसे मेवाड़ शैली से संबंधित है, लेकिन RSMSSB ने एक बार प्रश्न पूछा गया था तो उसमें उन्होंने इससे बूंदी को करेक्ट आंसर बताया था। वैसे कुछ दो चार प्रश्न और है जो RSMSSB ने अलग आंसर बता रखे हैं, जैसे कि एक प्रश्न है कि राजस्थान का ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की, तो उसमें RSMSSB ने अपनी फाइनल आंसर की में जैसलमेर को करेक्ट आंसर बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका करेक्ट आंसर क्या है, सिरोही है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ एक प्रश्न है जिसकी फाइनल आंसर की में भी RSMSSB ने कुछ गलत आंसर है वो बता रखे हैं, लेकिन हमें जो देखना है वो ऑथेंटिक बुक के माध्यम से देखना है। और जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, वैसे RPSC हो या RSMSSB हो, अगर कुछ प्रश्नों में उन्होंने फाइनल आंसर की में ही गलत आंसर है वो उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, और उस पर भी कोई अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो वो फाइनल आंसर की वाले जो आंसर है वो गलत ही रहते हैं बाद में, और उन प्रश्नों को हम एज ए प्रूफ के रूप में दोबारा किसी एग्जाम में ऑब्जेक्शन के रूप में हम यूज नहीं ले सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑथेंटिक बुक में हमें पर्टिकुलर प्रश्नों के सही आंसर है वो मिल जाते हैं और बोर्ड ने फाइनली आंसर की में भी गलत मान रखे हैं, तो हम किसी ऑथेंटिक बुक के माध्यम से उस पर ऑब्जेक्शन है वो डाल सकते हैं, लेकिन इन पेपरों को बेसिस या आधार मानकर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसी पेपर में कोपेन से जुड़ा एक और प्रश्न है वो पूछ लिया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? इसका सही जवाब आप सभी को आना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि सीकर किस जलवायु प्रदेश में है, सीकर के पास वाला ये है, और मैंने जालौर भी बताया तो जालौर के पास में बाड़मेर भी है, तो ये राजस्थान की कौन सी जलवायु प्रदेश का हिस्सा है कोपेन के अनुसार? BWHW, BSHW, CWG, AW।
तो जो झुंझुनू जिला है और बाड़मेर जिला है, ये कोपेन के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु प्रदेश में इंक्लूड किया जा सकता है, BSHW। ठीक है, तो यहाँ पर जालौर, सिरोही का भी कुछ भाग, इसके अलावा बाड़मेर, नागौर, अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू, ये जो जिले हैं ये राजस्थान के BSHW प्रकार की जलवायु में इंक्लूड किए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने आपको उस मेगा वीडियो में ये चीजें मैप के जरिए अच्छे से बता रखी है, फिर भी यहाँ पर ये जो भाग है ये BWHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो दक्षिण का भाग है, यहाँ से इस प्रकार से हम ले लेते हैं, ये जो भाग है ये BSHW के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसलमेर का भी कुछ भाग इसमें शामिल किया जाता है, और ये जो भाग है ये BWHW में। इसके अलावा ये जो दक्षिण भाग है ये AW में, और ये उत्तर पूर्वी का जो भाग है ये CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है कोपेन के अनुसार। ठीक है, सबसे बड़ा है ये वाला, ये नहीं है, ये वेस्टर्न, सबसे जो पश्चिम में है ये सबसे बड़ा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये हो जाएगा आपका BSHW, कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा है। हाँ, मदन जी गोदारा, कोपेन के अनुसार BSHW सबसे बड़ा है, बिल्कुल यही सबसे बड़ा है। और सबसे जो छोटा पूछा जाए तो वो AW है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। विजेंद्र जी शर्मा, RAS का एग्जाम कब होगा। तो ये जो RAS के एग्जाम है, ग्राम सेवक के एग्जाम है, PSI के एग्जाम है, ये सभी एग्जाम आपको एक ही साथ में देखने को मिलेंगे। लगभग 2021 के एंडिंग में जाते जाते ये एग्जाम होंगे आपके, अगस्त के आसपास में आप मान सकते हैं, अगस्त अगस्त सितंबर के आसपास में। तो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें अभी से, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी आपको अपना लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम कौन से जिले में है। दौसा, करौली, जैसलमेर और राजसमंद। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा हमारा, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है वो है हमारा दौसा जिले का। ठीक है, एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 56 बेसिन, जो 56 का मैदान है, 56 प्लेन है, ये किसका पार्ट है। लूनी बेसिन का, माही बेसिन का, बनास बेसिन का या चंबल बेसिन का। तो 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया था RSMSSB के मैराथन वीडियो में। तो 56 का जो मैदान है ये आपका किसका है, माही बेसिन का भाग है। ठीक है, माही नदी के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसी मैदान को माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। और माही बेसिन मोस्टली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में जो माही नदी यहाँ से होकर प्रवाहित होती है तो यही माही बेसिन है। और यहाँ पर ये जो 56 का मैदान है इसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे अगर 56 हिल्स पूछी जाए, 56 की जो पहाड़ियां हैं वो अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, बाड़मेर। बाड़मेर के नाकोड़ा पर्वत के आसपास में आपको 56 की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, लेकिन 56 जो प्लेन है, 56 बेसिन है, 56 मैदान है, वो आपको माही बेसिन यानी कि माही नदी के आसपास का जो मैदानी भाग है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ड्राई टीक फॉरेस्ट राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर या करौली। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में भी सागवान के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, यहाँ पर ड्राई टीक प्रकार के फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगी ने उपकरण उपलब्ध हुए हैं। पेलियोलिथिक टूल्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं।
ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर, भानगढ़ से। ठीक है, भानगढ़ से राजस्थान में पुरापाषाण कालीन पेलियोलिथिक टूल्स है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये जो बागोर है यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये मध्य पाषाण युगीन संस्कृति का अवशेष है यहाँ पर माना जाता है। पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भानगढ़ आपका अलवर में है जहाँ से पुरापाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आहाड़ और कालीबंगा से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अवशेष आपको देखने को मिलता है और कालीबंगा हड़प्पा युगीन और पूर्व हड़प्पा युगीन संस्कृति के यहाँ से अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भानगढ़ का किला उदयनाथ की पहाड़ी पर स्थित है और हाँ इस किले को भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए सही कूट का चयन करके। स्थल और जिला दे रखा है सिंधी तालाब, तिलवाड़ा, बीजक की पहाड़ियां और नगरी। तो देखिए इनमें से अगर आपको एक दो ही सही से पता है तो इस प्रश्न का आप जवाब है वो बहुत ही इजीली दे पाएंगे। सिंधी जो तालाब है ये आपका सिंगी तालाब, सिंधी नहीं है, सिंगी तालाब, ये नागौर का है और पिछले कुछ महीनों में ये चर्चित भी रहा था। ठीक है, तो सिंगी तालाब नागौर में। इसके अलावा तिलवाड़ा जो पशु मेला है ये बाड़मेर में भरता है, तो यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा। बीजक की पहाड़ियाँ भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, ये आपकी कहाँ पर है? विराट की पहाड़ियाँ ये जयपुर में है और नगरी कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। नगरी चित्तौड़गढ़ और नगर है ये आपकी टोंक में है, कारकोट नगर भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर कूट में अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1 में 4 केवल और केवल 3 नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 3। ठीक है, हाँ तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तलवाड़ा कहाँ पर है? तलवाड़ा है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में तलवाड़ा, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये काला खूंटा तलवाड़ा ये मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता का भी मेला भरता है इस तलवाड़ा बांसवाड़ा में। एक और है तलवाड़ा नाम से झील, तलवाड़ा झील जो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में और तलवाड़ा ये मैंगनीज के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मेला भी भरता है। ठीक है, हाँ और ये भी आपको कंफ्यूजन करने वाला है, नगरी जो सिवी जनपद की राजधानी हुआ करता था जिसे मध्यमिका भी कहा जाता है, और ये नगरी है चित्तौड़गढ़ में और नगर है ये टोंक में है। ठीक है, और तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है, आप सभी को पता होगा। राजस्थान में लोह धातु की प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ आयरन मेटल फाउंड इन राजस्थान। विकल्प एक है गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति, गेरुए का मतलब होता है भगवा प्रकार का ऑर्चर कलर्ड पोटरी। दूसरा है काले वेयर लाल रंग यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर की मृदभांड संस्कृति। तीसरा है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति और चौथा है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। तो राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपका काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर। विकल्प नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इस प्रकार के धातु के आधार पर प्राचीनतम संस्कृतियों की बात करें तो सबसे पहले मानव ने किस धातु की खोज की थी? ताम्र की खोज की थी, तांबे की खोज की थी, तो इसे ताम्रयुगीन संस्कृति कहते हैं। उसके बाद में मानव ने कांसा खोजा था जिसे कांस्य युगीन संस्कृति कहते हैं। तो ताम्रयुगीन कांस्य युगीन के बाद में लोहे की खोज होती है जिसे लोह युगीन संस्कृति कहते हैं। ठीक है,
तो जब लोहे का खोज मानव ने कर लिया था तो ये एक युगांतकारी घटना मानी जाती है, क्योंकि इसने कृषि उपकरणों, हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही इन्होंने बदल कर रख दिया था। अब राजस्थान में लौह युगीन संस्कृति के प्रमुख स्थलों की बात करें तो आपका एक तो नौ है जो कि भरतपुर में है, रेंड टोंक में है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं इसको, इसके अलावा जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, ये सभी राजस्थान में लौह युगीन संस्कृति वाले प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। और दूसरी बात मित्रों, यहाँ पर ये प्रश्न हालांकि डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि लौह धातु के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो आपका B&R है और PGW है, यानी कि चित्रित स्लेटी रंग की जो मृदभांड संस्कृति है, ये इसका वैसे विकास तो इस लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे कहते हैं चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, यानी कि पहले लौह धातु के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये तो हमारे काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति से मिले, और जस्ट इसके बाद में चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति आपकी PGW मिलती है। और PGW के अवशेष भी अगर आपसे पूछे जाए तो आप यही बताएंगे कौन कौन से, विराटनगर जयपुर, जोधपुरा, सुनारी झुंझुनू, नोहा भरतपुर आदि स्थान है, ठीक है। और इस संस्कृति का उदय है वो कब माना जाता है, लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के आसपास में इस संस्कृति का हमारा समय देखने को मिलता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B&R है, और इसके बाद में जो संस्कृति के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारे स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैनाल्स कहाँ से मिली हैं, कारकोट नगर, रंग महल, नगरी, नांसा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 3, नगरी। नगरी कहाँ पर है, नगरी को आपको इसकी जो नगरी शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और नगरी और शिवी ये कहाँ पर है आपकी, चित्तौड़ मेवाड़ में है, उदयपुर में है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीनतम जो नहर के अवशेष हैं, नहर के साक्ष्य हैं, वो नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नगर भी आता है जिसे कारकोट नगर भी कहते हैं, ठीक है। तो नगर तो आपका कहाँ है, टोंक में है, लेकिन नगरी आपकी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। नगर से तो आपके गुप्तकालीन बड़ी मात्रा में सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। रंग महल आपका हनुमानगढ़ में है, और नांसा जो कि यहाँ पर युग अभिलेख मिले हैं, ठीक है, जो कि कोटा में है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा, एरनपुरा। तो गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर है ये आपका छोटी सादड़ी, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, यहीं पर भ्रमर माता मंदिर का हमें पता चलता है, यहीं पर भ्रमर माता मंदिर पता क्या चलता है, अवस्थित ही है, ठीक है। और ये किस आपसे प्रश्न है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ के छोटी सादड़ी में स्थित भ्रमर माता का मंदिर किस काल का है, तो ये आपका गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विकल्प देखा जाए तो सोजत, सोजत कहाँ है आपका, पाली में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हिना के लिए प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है। एरनपुरा जो एरिनपुरा कहाँ पर है, पाली में स्थित है, और 1857 की क्रांति के दौरान हमने पढ़ा कि 1857 की क्रांति एरिनपुरा पाली में, जो मारवाड़ में क्रांति का नेतृत्व होता है, आगाज होता है, वो आपका एरिनपुरा पाली में ठाकुर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है वो इसका संचालन करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था, विग्रहराज प्रथम, वामनराव
वासुदेव, दुर्लभराज प्रथम और वाकपति राज। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहानों के जो आदि पुरुष माने जाते हैं वो वासुदेव चौहान है। ऐसा माना जाता है कि 551 के आसपास में इन्होंने सांबर के आसपास में चौहान वंश की है वो स्थापना की थी, ठीक है, और इन्होंने ही सांबर झील का है वो निर्माण करवाया था। सांबर झील वर्तमान में जयपुर में सबसे इसका ज्यादा क्षेत्रफल है। इसके अलावा नागौर के कुछ हिस्सा भी इसी सांबर झील से व्याप्त हैं। और सांबर झील में चार जो नदियां गिरती है वो कौन कौन सी है आप बताइए। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली नदियां हैं जो सांबर झील में आकर गिरती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बिजोलिया शिलालेख से एक तो ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। दूसरी इसमें जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये मिलती है कि जो चौहान है ये इनकी उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानी जाती है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पन्न बताया है काम किसने, इस बिजोलिया अभिलेख में, और गुणभद्र इसके रचयिता है बिजोलिया अभिलेख के, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो जैन विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ ये दोनों ही आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। देसी मोटिवेशन, कल का पार्ट नहीं मिल रहा है। कल का जो वीडियो हमने लाइव सेशन है वो किया था और उसके बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और कुछ समय बाद में मैंने मॉर्निंग तक देखा नहीं और उसके बाद में पता नहीं ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया क्या हुआ। आज दिन का मैसेज आया मेरे पास में, इंस्टाग्राम पर काफी मैसेज आ रहे थे तो उसमें मैंने पाया और उसके बाद में मैंने खुद सर्च करके देखा तो वो वीडियो नहीं मिला। तो लाइव स्ट्रीमिंग के बाद ही कुछ प्रॉब्लम थी, शायद डिलीट हो गया, या फिर ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपको 1 से 50 तक के पेपर है वो प्रश्न है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़, उदयपुर, रणकपुर और माउंट आबू? तो जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, और यहाँ पर केवल विजय स्तंभ का पूछा जाए, कीर्ति स्तंभ का पूछा जाए, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ इसे 1437 में किसने बनवाया था, कुंभा ने, ठीक है, कुंभा ने अपनी सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में 1437 में, इससे 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ को बनवाया था किसने, महाराणा कुंभा ने, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, और आपको बताना है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ आप बताइए कमेंट करके, ये कहाँ पर है। निम्नांकित संतों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए, वे नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। संत और जाति दे रखी है, जसनाथ जी, लालदास जी, रज्जब जी और बखना जी। ये जो संत है ये किस जाति से जुड़े हैं, ठीक है, इनकी जाति क्या थी। वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है कि जाति न पूछे साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो वैसे साधु की संत की जाति है वो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन इस बोर्ड ने पूछ ली है तो इसका जवाब दे देते हैं। जसनाथ जी जाट जाति से संबंध रखते हैं, जाट सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य भी किया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और जसनाथ जी है वो किस जाति से संबंधित हैं, जाट जाति से हैं। इन्होंने 36 प्रिंसिपल्स, 36 सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया और जसनाती संप्रदाय की भी स्थापना की थी इन्होंने। लालदास जी ये मेव जाति से संबंधित थे, ठीक है, धौलीधूप अलवर में इनका मुख्य स्थान है, तो यहाँ पर लालदास जी मेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अगर इनके बारे में नहीं भी पता है रज्जब जी, बखना जी ये किस जाति से संबंध है, लेकिन आपको ध्यान में जरूर होना चाहिए कि ये किस जाति से संबंध रखते हैं, क्योंकि
क्योंकि आगामी एग्जाम में अगर आपको सीधे तौर पर पूछा जाए तो आप जवाब देने की स्थिति में होने चाहिए, ठीक है। छोटे लाल जी मीणा लिख रहे हैं, जसनाती संप्रदाय 36 नियम और बिश्नोई संप्रदाय 30 नियम। जी छोटे लाल जी, बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है, ना कि 30 नियम। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जाम्बो जी ने की थी और उनके 29 प्रिंसिपल्स हैं और जसनाथ जी के है 36, ठीक है। RSMSSB के प्रीवियस ईयर की PDF कहाँ मिलेगी? तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं omdigitalstudy.com, तो वहां पर आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो लालदास जी मेव जाति से। अब देखिए, जसनाथ जी एक में दो हो गया, तो एकमात्र दो नंबर ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें कूट के ए में दो नंबर है, तो इस प्रकार से हम सीधे से इस प्रश्न को है वो सही कर सकते हैं। लालदास जी मेव हो गया, रजब जी पठान जाति से हो गए और बखना जी है वो शेष मिरासी है, तो ये हो गए। रजब जी और बखना जी ये दादू संप्रदाय के शिष्य रहे हैं दादू जी के। वैसे दादू जी के 52 शिष्य हैं जो दादू के 52 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से ही रजब जी बखना जी ये प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खातोली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खातोली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था और महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो खातोली युद्ध जो कि 1517 में, खातोली का युद्ध है वो 1517 में लड़ा गया था और किस किस के मध्य लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सत्य है। खातोली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है, तो ये बिल्कुल गलत है। खातोली मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर स्थित नहीं है। यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो, आपको बताना है कि खातोली वर्तमान में कहाँ पर है, जिसने राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध लड़ा था। यहाँ पर दो युद्ध लड़े थे, ठीक है। एक तो था खातोली का युद्ध और एक था बाड़ी का युद्ध। बारी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध है ये धौलपुर में हुआ, खातोली का युद्ध है ये कहाँ पर हुआ? आपको कमेंट करके बताना है कि खातोली है वो कहाँ पर है। और इसके बाद में राणा सांगा ने बाबर के साथ में युद्ध किए। बाबर के साथ में भी इन्होंने दो युद्ध किए, एक तो बयाना का युद्ध जो कि बयाना भरतपुर में, और एक है खानवा का युद्ध। बयाना के युद्ध जो कि फरवरी 1527 में हुआ था, इसमें राणा सांगा ने बाबर को परास्त किया। उसके बाद में खानवा के युद्ध में अंततः सांगा की पराजय हुई, ठीक है। हाँ, कोटा में, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग। खातोली है ये कोटा जिले में स्थित है, ठीक है, ना कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर। कोटा यहाँ पर हो जाएगा। और इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को भी बंदी बना लिया, इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और इसके बाद में बाड़ी का युद्ध हुआ, उसमें भी इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त किया था। और इस महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी सही बात है, ठीक है।